अभी देखो ये झील। हेलो, अरे झरना देखो ये ऊपर, तो देखो गाइस ये भी। तो गाइस देखो अभी हम किशन को जाते हैं और मिथिलेश देखो पीछा ही नहीं छोड़ रहा ये देखो कितना अच्छा मान रहे हैं। वाह, जैसे ही जाने की कोशिश करता हूँ ये पकड़ देता है। अभी थोड़ा दूर आया था मैं तो खेत में मिला, अभी मेरे को कितना अच्छा मान रहा है। वाह वाह, आय हाय हाय, आय हाय हाय, देखो वाह, लोग तो कहेंगे कितना अच्छा मानता है। वाह, अब चल यहीं रहो, जा रहा हूँ जा रहा हूँ, बाय निखिलेश। अरे ट्यूशन पढ़ाने जा रहा हूँ, खींचिए। दोबारे मेरे को अच्छा मानने आ जाता है ना तू यार, तू क्या करो, मैं तेरा तू तो बच्चा है ना मेरा। चल जा जा घर जा घर जा घर जा घर जा, ट्यूशन को मत आ। अरे ट्यूशन को मत आ रे बाबा, बाय मिखिलेश, जा रहा हूँ। हाँ फिर वापस ट्यूशन तक मत आ रे। ये तो आज ट्यूशन तक आने की सोच रहा है पूरा। देखो वहाँ है मिखिलेश, इसको मैं वहीं रख के भाग के आ गया हूँ, वरना वो पीछे पीछे आ जाता है। गाइस आज मेरा ब्लॉग बन रहा है थोड़े लेट से, और आज मैं जा रहा हूँ थरकोट झील में, क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट थे आज वो क्या थे, आए नहीं है, वो कहीं मंदिर में गए हैं, तो तब अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो गाइज ये है मंदिर जो यहाँ डैम के पास है माता का, देखो ये पूरा डैम भर रखा है। और ये देखो नदी भी थोड़ी बड़ी हो रही है, क्योंकि कल बारिश हुई थी, जो मैं आप पुरानी क्लिप दिखा दूंगा, और डैम में भी गंदा पानी हो गया है। अब जा रहे हैं हम थरकोट झील को, और अभी हमारे साथ कॉल में अमन भाई जी है जो हमारा साथ देंगे। भाई जब मैं पहुँच चुका अपने वहाँ की रोड में हाईवे वाली, और आज देखो क्या मस्त मौसम हो रहा है वहाँ पर को, और यहाँ पर को बादल छाए हैं काले काले, और वहाँ पर को मस्त बाजार की साइड लग रहा है कि पूरा मौसम साफ है। तो अब चलते हैं थरकोट झील को, बस बारिश के हत्ते ना पड़े हम। जब हम हवा महल पहुँच गए देखो, देखते हो नीचे एक और चेक डैम है, देखो गाइस एक और चेक डैम है यहाँ, और ऊपर को ये प्रशिक्षण केंद्र है कुछ। गाइस आप देख सकते हो मेरे पीछे को अभी है झरना, और मैं उसकी क्लिप दिखाता हूँ कितना मस्त दिख रहा है झरना। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर को ये झरना है, और ये कितना मस्त दिख रहा है, कभी इधर भी जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसा है ये झरना किसी और ब्लॉग में। तब तक आज तो हमें जाना है थरकोट झील में, तो जाते हैं झील की ओर, थोड़ा और दूर है। अब जो बस जस्ट पहुंच गए हैं, और ये देख सकते हो कि उधर भी को जो सर्कल रिंग होती है उसमें ये रोड बन गई है जो आगे गांव तक चली गई है, बहुत देख सकते हो रोड भी बन गई है जो, और यहाँ पर को पानी इकट्ठा हो रहा है, और अभी लोग भी जा रहे हैं यहाँ से। अरे झरना देखो ये ऊपर। तो गाइस देखो ये थरकोट की झील, और क्या मस्त सी दिख रही है एकदम यार, मेरा तो दिल आ गया है इसमें। और अभी आपको सामने ही जाके दिखाते हैं कैसी हो रही है झील। तो गाइस देखो यार क्या मस्त दिख रही है यार झील, कई तगड़ी। तो गाइस देखो ये नीचे पर कोई है, पीछे पर को थरकोट झील, और क्या मस्त दिख रही है। और मैं अभी आ रखा हूँ व्यू पॉइंट पे, तो देखो गाइस ये है व्यू पॉइंट यहाँ का, और यहाँ से बैठते हैं यहाँ पर को, और यहाँ पर से झील दिखती है एकदम साफ साफ और बहुत मस्त सी। तो गाइस जितना यहाँ ये पानी भरा है और यहाँ से निकल रहा है, और ये झील देखो यार बहुत बड़ी है, मतलब वैसे देखो ना। और यहाँ पर को देखो तो गाइस यहाँ पर को ये डैम टाइप का स्ट्रक्चर है, और ये यहाँ पर से रोड बन रखी है, इस रोड से मतलब पूरा विजिट कर सकते हैं, और ये झरने तक पहुँचती है रोड जैसा आपको दिखा दिया था। जितने लोग भी आ रहे हैं ऐसे देख के जा रहे हैं,
इसको कितना मस्त दिख रहा है करके थरकोट झील। तो यार रियल में मतलब दिख तो कोई और समरी है यार, जब नाव वाव चलेगी तब और मज़ा आएगा इसमें, और एक तो गांव के बगल में तब तो ज़्यादा मज़ा आएगा। जब मैं जा रहा हूँ घर को, अभी दिखा तो दिया आपको थरकोट झील कैसी है, और पूरी ये भी दिखाता हूँ, या तो मैं जाता हूँ अगर नीचे को तो दिखा दूँगा कि पूरी झील है कैसी। और आज तो मैं अकेला रखा हूँ, ये रोड से थोड़ा एक रास्ता है जिससे हम जा सकते हैं थोड़ा नीचे को, ये बना रखा है, और मैं दिखाता हूँ इसमें थरकोट झील है कैसी। और ये बताना यार, नए फ़ोन के बाद जो वीडियो क्वालिटी है वो थोड़ी इम्प्रूव हुई है नहीं हुई है, अगर इम्प्रूव हुई है तो बताना कितनी इम्प्रूव हुई है। तो देखो दोस्तों, ये जो आती है हल्का सा रास्ता, एक तो जाता है यहाँ को वो जो रोड में मिक्स होता है झरना के वहाँ, और एक तो ये रोड को जाता है, और ये जो दूसरा रास्ता है ये थोड़ा नीचे को जाता है, और पूरे मतलब झील का जो मेन है ना वहीं मिल जाता है, और इसमें मतलब रिस्क भी है बहुत जाने में, और तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई ये रिस्क उठाएगा। तो गाइस मैं इसके एंड पॉइंट पर पहुँच गया हूँ अभी, ने जो ये रोड है इसके वहाँ पर को, और ये देखो कितनी बड़ी झील है दूर दूर तक यार, बहुत बड़ी झील है यार ये। अभी थोड़ा देखो यहाँ से जो पानी बहा होगा जी, अभी थोड़े दिनों पहले जब इतनी भयंकर बारिश आई थी तो उसके वजह से देखो ये पानी यहाँ आया होगा, तो यहाँ तक आ रखी है झील। देखो ये झील का पानी यहाँ तक, और वो आगे वहाँ तक है, और अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा था वो ऊपर से। अभी देखो ये झील इधर उधर को बहती रह रही है, ये देखो तो गाइस जो वर्कर्स हैं वो भी आ रहे हैं वहाँ हैं वो। गाइस अभी हम हैं जामिर खेत में, और यार यहाँ पर को अभी कुत्ते आए थे काटने के लिए मेरे को भयंकर, क्या बताऊँ। गाइस ये देखो ये कुत्ता मेरे पीछे पड़ा था अभी, तो भागता हूँ मैं यहाँ से भाई, तो बहुत जानलेवा हो रहे हैं। ये देखो यहाँ तीन कुत्ते थे पीछे पड़े थे, अभी तो इनके मालिक ने इनको छुटा दिया है, ये वाला तो अभी भी आ रहा है पीछे को, बाकी दो तो भाग गए हैं। तो गाइस मैं पहुँच गया हूँ अब जहाँ हमारे गांव के पास एक नया कॉलेज खुलने वाला है, तो ये पीछे वाली जगह वही है जहाँ एक नया कॉलेज खुलने वाला है। तो देखो गाइस ये है वो मानस कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो यहीं पर को अभी कॉलेज का काम भी चल रहा है गांव के पास, और ये अभी मेरे दूसरे फ़ोन में कॉल आ रहा है उसको उठाता हूँ मुझे। देखो मौसम कैसा हो गया है, और अभी ये देखो अभी तक बादल साफ दिख रहे थे अब काले हो गए हैं, और मैं घर के लिए पहुँच ही गया हूँ, तो आज का तो सक्सेसफुल हो गया प्लान। मैं आखिरकार अब घर पहुँच ही गया हूँ, और देखो अब बारिश भी आने वाली है, तो क्या परफेक्ट टाइमिंग है मेरी। तो गाइस ये देखो पोथू, तो देखो हेलो 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 बुआ, देखा तू तो, देखा तू।